नोट दिया गया था वैसा का वैसा यहाँ पर प्रेस नोट जो है वो शेयर कर दिया गया है और उसी की वजह से अब चर्चा है। आगे बढ़ रहे हैं, बात से बात बनी है। आपको बता दें कि मंत्रालय कर्मचारियों के महापड़ाव से जुड़ी हुई ये खबर, मंत्रालय कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे। पिछले 57 दिनों से महापड़ाव जारी था। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत गेरा से सोमवार को वार्ता के बाद सहमति बन पाई थी और सचिवालय में सोमवार को आपको बता दें कि 5 घंटे से ज्यादा देर तक ये वार्ता चली जो कि सफल रहे। 7 मांगों पर जल्द आदेश जारी करने पर सहमति बनी और 2 मांगों पर कमेटी गठन का निर्णय लिया गया है। अन्य 2 मांगों पर आदेश जारी हो चुके हैं। मंत्रालय कर्मचारियों का महापड़ाव पिछले 57 दिनों से जारी था। सचिवालय कूच के बाद मंत्रालय कर्मचारियों को मुख्य सचिव ने वार्ता के लिए बुलाया था। 7 जनों का जो डेलीगेशन है वो मुख्य सचिव से मिलने के बाद कार्मिक विभाग के सचिव हेमंत गेरा से यहां पर मिला और पहली बार में सहमति नहीं बन पाई, विफल रही थी पहले दौर की वार्ता, लेकिन वार्ता का जो दूसरा दौर यहां पर शुरू हुआ इस पर बात बन पाई है। मंत्रालय कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने सरकार के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके सहमति जताई है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने महापड़ाव समाप्त करने की घोषणा कर दी है। अब मंत्रालय कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे। आपको बता दें कि 7 मांगों पर जल्द आदेश जारी करने कर सहमति बनी है, तो वहीं 2 मांगों पर कमेटी गठन का निर्णय लिया गया है और अन्य 2 मांगों पर आदेश जारी हो चुके हैं। तो आखिरकार बात से बात बन पाई है और सहयोगी सचिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सचिन, 57 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार कल वार्ता सफल रही है, क्या कुछ मांगे जिन पर सहमति बन पाई है और बताया जा रहा है कि कुछ मांग ऐसी भी है जिन पर कमेटी गठन को लेकर निर्णय लिया गया है? जी देखिए, कल जो सचिवालय कूच किया था मंत्रालय कर्मचारियों का जो महापड़ाव था वो पिछले 57 दिन से जारी था और कल सचिवालय कूच किया था, उसमें 4 घंटे के बाद में सचिवालय के से वार्ता का न्योता आया था। मुख्य सचिव ने वार्ता के लिए बुलाया था, उसके बाद में एक दौर में वार्ता विफल रही, वार्ता फिर दूसरे दौर में शुरू हुई। वार्ता दूसरे दौर में प्रमुख सचिव जो है हेमंत गेरा उनसे, कार्मिक विभाग के उनसे शुरू हुई। उसके बाद में मांगों पर कुछ सहमति बनी है, जैसे 7 मांगों पर सहमति पत्र बना है, 2 मांगों पर जो है वो कमेटी गठन का निर्णय लिया गया है और अन्य 2 मांगे जो है वो उनकी मान ली गई है। अन्य 2 मांगे जो मान ली गई है वो पंचायती राज से रिलेटेड है और बाकी जो 7 मांगे हैं, जैसे कि मुख्य मांगों की मैं अगर बात करूं तो उनकी मुख्य मांग है कि उनकी जो ग्रेड पे है वो 3600 की जाए और उसकी उनकी जो योग्यता है, जो बाबू की योग्यता होती है 12th की, उनको उसको 12th को ग्रेजुएशन की जाए और इनकी जो मांग है पदोन्नति का जो कोटा है 25% का, उसको 25% से 12.5% किया जाए। ये इनकी मुख्य मांगे हैं। इन मांगों पर जो है वो सहमति पत्र पर साइन हुए हैं हेमंत गेरा और जो कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी, उन्होंने सहमति पत्र पर साइन कर सहमति जताई है और आज विभागों में रौनक वापस लौटेगी। जो 33 के 33 जिलों में जो काम रुक रहे थे वो आज से शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।